हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी ताकि आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आइए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात करें हम, तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, और एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.46 × 10^15 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर, 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, एमकेएस या एसआई पद्धति। ठीक है, इसमें मात्रक होता है न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। ठीक है, एक न्यूटन जो होता है वो 10^5 डाइन के बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं किस घटना के कारण हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लें कि तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं, जो माध्यम के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। ठीक है, माध्यम के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, जो माध्यम के चलने की दिशा के कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं, उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश भी कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। और इसके बारे में कैसे पता चला था, हमें एक ध्रुवीकरण जो घटना है उसके माध्यम से पता चला था। जब हम टूरमैलिन क्रिस्टल पर प्रकाश भेजते हैं तो उससे प्रकाश के केवल कुछ ही वेक्टर्स, मतलब आधे वेक्टर्स ही बाहर निकल पाते हैं। तो इस वजह से ये घटना किसके कारण हम कह सकते हैं, ध्रुवीकरण के कारण। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, तो दहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि जब हम किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, सोलर डायोड। ठीक है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो विचलन दिखाता है वो कौन दिखाता है, बैंगनी दिखाता है। और सबसे कम कौन सा दिखाता है, लाल रंग दिखाता है। अगर हम यहाँ पे तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की होती है, और सबसे कम जो होती है वो तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन से रंग का अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। तो हमारे पास आंसर है कि लाल रंग का अक्षर जो है सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो राइज होता है वो बराबर होता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ के। ठीक है, यानी जब हम अक्षरों को समतल पट्टी के ऊपर रखते हैं तो उसकी वास्तविक गहराई कितनी है और एक्चुअल में वो कितनी दिखाई दे रही है। ठीक है, वो अपेरेंट कितनी दिख रही है, तो वो हमारी अपेरेंट डेप्थ हो जाती है। तो अपेरेंट डेप्थ को हम लिख सकते हैं माई रियल डेप्थ अपॉन म्यू के टर्म में। ठीक है, तो रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो जब हम इन दोनों से रियल डेप्थ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 − 1/μ। ठीक, तो ये हमारे पास एक टर्म लिख निकल कर आ जाएगा, रियल डेप्थ इज ब्रैकेट में 1 − 1/μ, यानी म्यू जो है अपॉन में। अब हम देखते हैं कि अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक है, या जिसका सबसे अधिक होगा उसकी जो गहराई होगी यानी जो राइज होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक अब लाल रंग का सबसे अधिक होता है तो इस वजह से वो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा व नीला।
ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स की, यानी ज्योति फ्लक्स क्या बताता है हमें कि प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा प्रकाशित हो रही है। ठीक है, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित है? तो परमाणु घड़ी सीजियम पर आधारित है, सीजियम के संक्रमण पर आधारित है। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो अवतल लेंस है जिसे हम अवतलोत्तल, जिसे हम द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा? आभासी और सीधा बनता है। कौन सा दर्पण है जो सदैव वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो आंसर है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, उसके बराबर ही बनेगा। उसमें एक स्थिति होती है जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा अवतल दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल सड़कों पर प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस प्रकार गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लैंप जो होते हैं सोडियम के बने लैंप होते हैं, और उनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल होते हैं, यानी किसी भी नाभिक के भीतर जो कार्य करने वाले बल होते हैं। नाभिकीय बल कैसे होते हैं? तो नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, आकर्षण बल होते हैं, तो इस वजह से ये सबसे बहुत ही प्रबल बल होते हैं, यानी कूलाम के बल से भी ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रबल बल होते हैं। फिर है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप एक दूरदर्शी है जिसके जो कि परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं कि इसमें जो हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि प्रकाश जो है इसमें हमेशा सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, यानी प्रकाश किस माध्यम से? सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त होती है कि इसका जो आपतन कोण होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक, और प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संचार सेवा के लिए किया जाता है, क्योंकि परावर्तन की घटना हो रही है तो परावर्तन में ऊर्जा हानि जो होती है वो बहुत ही लगभग नगण्य के बराबर होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ संचार सेवा में करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? तो प्रकाश की परिघटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव, यानी जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रकाश की मात्रा फैलती है। ठीक है, फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छाया जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, लेंस किससे बनते हैं? तो लेंस फ्लिंट कांच व क्राउन कांच के बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, निको आजकल तो क्वार्ट्स के भी बनने लगे हैं, तो बहुत सारे और भी ग्लासेस आ गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, सर सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसके लिए दिया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया। परावर्तन के बाद किसी वस्तु के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्टूडेंट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब प्रकाश परावर्तित होकर किसी भी पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस लौटती है तो उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस वेग से वो आ रही थी उसी वेग से वो वापस जाती है। ठीक है, तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या लगे होते हैं? तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में पोलराइज्ड लगे होते हैं, जो कि टूरमैलिन के, क्वार्ट्ज के बने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण के कारण दिखाई देती है, यानी ध्रुवण जब घटना होती है तो ध्रुवण घटना होने के कारण उसमें से दो प्रकार की किरणें निकलती हैं। ठीक है, दो जो कि अलग अलग जगहों पे चमकती हैं, जिस कारण से अलग अलग जगहों पे दिखाई देती हैं, जिस कारण से हमें समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन क्यों दिखाई देते हैं?
तो साबुन की बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश गिरता है यानी व्हाइट लाइट गिरती है, तो उसमें कुछ जगहों पर प्रकाश जो है अधिक मात्रा में यानी दीप्त प्रकाश बनता है और कुछ जगहों पर अद्वितीय प्रकाश बनता है यानी जिसे हम कहते हैं डार्क डार्क लाइट बनती है। इन दोनों को मिलने से वो वहाँ पे उस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे? तो प्रकाश तरंगों की बात करें कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के वेक्टर भी होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर भी होते हैं, इस कारण हम प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें विद्युत के भी गुण होते हैं, चुंबकीय के भी गुण होते हैं, इस वजह से हम इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। फिर इसके बाद बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ठीक है,